अहम खबर आप तक पहुंचाएंगे। एंकर पर्सन समी इब्राहिम को हिरासत करने का केस, एफआईए के जो असल काम है वो करें, चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा। लगता है एफआईए सब काम छोड़कर सोशल मीडिया के मामलात देख रहा है। अदालत की जानिब से मजीद क्या कहा गया, अदालती कार्रवाई क्या रही, फयाज महमूद से इस बारे में मजीद जान लेते हैं। फयाज बताइएगा। जी, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्ला की जानिब से एक बार फिर आजादी सहाफत के लिए बड़ा फैसला सामने आया है और उन्होंने इसमें बड़ा रिलीफ भी दिया है। उन्होंने एक बार फिर आजादी सहाफत को यकीनी बनाने के लिए समी इब्राहिम के खिलाफ जो हरासा करने का केस है उसमें बड़े अहम रिमार्क किए हैं और उन्होंने कहा है कि एफ आई ए के जो असल काम है वो एफ आई ए करे और एफ आई ए अपने बाकी काम छोड़ के सिर्फ सोशल मीडिया के पीछे कहाँ पर लग गई है। अदालत ने ये भी कहा है कि जो क्या एफ आई ए ने सो मोटो एक्शन लिया है या किसी की शिकायत पर खिलाफ कार्रवाई शुरू की है, तो जिस पर अदालत को बताया गया कि एफ आई ए ने अरशद शरीफ के खिलाफ अभी तक कोई नोटिस नहीं भेजा था, हम समी इब्राहिम को उनकी एक वीडियो की वजह से नोटिस भेजा था, जिस पर अदालत ने ये भी कहा कि मुल्क इस मुल्क की तारीख है कि 35 साल मुल्क पर मार्शल ला रहे हैं। उसके अलावा अदालत ने ये भी कहा कि आप ये बताएं कि इस वीडियो की बुनियाद पर समी इब्राहिम को कैसे नोटिस कर दिया गया, क्योंकि फौज हमारी इतनी कमजोर नहीं है कि इस तरह के बयान से उसमें कोई इंतशार या बगावत का खतरा हो, और रात को अदालतें क्यों खोली गई। उन्होंने ये भी बता दिया, आज वो कहते हैं कि फाइन का तहफ्फुज़ करना है और वो अदालतें करती रहेंगी। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि जब इस तरह के बयान के से अदालत को कोई एतराज नहीं है, फिर एफआईए को क्या मसला है। तो जिसके बाद अदालत ने एक बार फिर एफआईए को हुक्म दिया कि समी इब्राहिम के खिलाफ केस की जो नजरसानी करें कि आया बनता भी है या कि नहीं, और पीएफयूजे को कहा है पीएफयूजे के जरिए अगर कोई बयान रिकॉर्ड करना है तो समी इब्राहिम का पीएफयूजे के जरिए बयान रिकॉर्ड किया जाए। जी बहुत शुक्रिया फयाज आगाह करने के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।